हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। झोला छाप डॉक्टर चला रहा था गांव में क्लिनिक, रेड पड़ने पर हुआ फरार। सिरोही जिले के नया सानवाड़ा में क्लिनिक खोलकर बैठा झोला छाप डॉक्टर के खिलाफ लंबे समय के बाद रविवार को पिंडवाड़ा ब्लॉक स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कार्यवाही की है। कार्यवाही के दौरान क्लिनिकों की सील कर दिया गया है। पिंडवाड़ा ब्लॉक स्वास्थ्य विभाग की टीम ने झोला छाप डॉक्टर की क्लिनिक पर दबिश दी, लेकिन क्लिनिक के अंदर झोला छाप डॉक्टर नहीं मिला, लेकिन क्लिनिक के अंदर से दवाइयां मिली। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने क्लिनिक में रखा सभी सामान जब्त कर लिया। पिंडवाड़ा बीसीएमओ डॉक्टर एसपी शर्मा ने बताया कि जिला स्वास्थ्य विभाग द्वारा जिले में झोला छाप डॉक्टरों के खिलाफ कार्यवाही के लिए सीएमएचओ राजेश कुमार द्वारा दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। पिंडवाड़ा स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगातार झोला छाप डॉक्टरों पर कार्यवाही की जा रही है। लंबे समय से झोला छाप डॉक्टर द्वारा गांव में क्लिनिक चलाकर आमजन के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था। पिंडवाड़ा स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा छापेमारी की गई। इस कार्यवाही को अंजाम देने से पहले क्लिनिक संचालक अभिजीत विश्वास वहां से भाग चुका था। उन्होंने बताया कि अभिजीत विश्वास एक अशिक्षित व अयोग्य डॉक्टर है, लेकिन वो गांव में क्लिनिक चला रहा है, इससे लोगों के जीवन को खतरा हो सकता है। बताया जा रहा है कि संचालक अभिजीत विश्वास बंगाल का रहने वाला है और उसके पास कोई डिग्री भी नहीं है। टीम ने सभी रिकॉर्ड, अंग्रेजी दवाइयां और उपकरण जब्त कर लिए हैं। पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 336 दूसरे के जीवन को खतरे में डालना और 420 के तहत मामला दर्ज करवा दिया जाएगा। जागरूक टीवी के संवाददाता से बात करते हुए पिंडवाड़ा के बीसीएमओ एसपी शर्मा इन्होंने ये कहा, ये जो इसके बारे में बताया, कार्रवाई हम लगातार करेंगे। ये जो नीम हकीम जो बंगाली हैं वो पांचवी क्लास तक भी पढ़े लिखे नहीं है, लोगों को इलाज करते हैं, लोगों के शरीर से खिलवाड़ करते हैं। ये पिंडवाड़ा ब्लॉक और सुरोही डिस्ट्रिक्ट में नहीं चलेगा। लोगों को कोरोना से वैसे पीड़ित हैं और ये लाइन ऑफ ट्रीटमेंट ना देके कुछ भी दे देते हैं, स्टीरोइड का यूज करते हैं, जिससे बाद में बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, तो ये अब सहन किया नहीं जाएगा। बंगाली है उनको यहाँ से खदेड़ा जाएगा। मेडिकल वाला ही ऑथेंटिक डिग्री है तो कर सकता है, उन पर भी कार्रवाई की। जागरूक टीवी के नए सनवाड़ा से भवानी सिंह सोलंकी की रिपोर्ट।